Hello students, this is Ashijan. This is a continuation video on process costing. In the last video lecture, we have started a new topic in this chapter, that is equilibrium units or equilibrium production. So let's start another question, question number 9. With the help of the following information, prepare process costing giving full working notes. Opening stock of working power as 1000 units at rupees 10,000. Degree of completion, materials 100%, labor 50%, overhead 40%. ये आपको जो degree of completion दिया हुआ है वो किस चीज का दिया हुआ है, that is for the opening stock. That means जो opening stock क्या होता है, that is the closing value of the previous process. ठीक है, तो यानी कि जो पिछले process में जितना भी काम हुआ, जो closing stock बचा वो भी अभी भी जो पूरा नहीं होता, वो अभी भी जो है वो इनकम्प्लीट था. तो वो कितना कम्प्लीट था, कितना इनकम्प्लीट था, उसका आपको डिग्री ऑफ कम्प्लीशन दिया हुआ है. उसमें बाइफरकेशन दिया हुआ है कि मटेरियल का तो 100% काम हो चुका है, लेबर में 50% काम हुआ है, बट एंड ओवरहेड में 40% काम हुआ है. इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस 10,000 यूनिट्स एट 37,000 रुपीज, वेजेस 17,840, ओवरहेड्स 8,840, स्क्रैप हुआ है. अच्छा, इस क्वेश्चन पे हमें लास्ट वीक लेक्चर में हमने जो सिंपल क्वेश्चन किया था इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन का, अब हम इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम स्क्रैप का, दैट मींस वी विल टेक दी ऑल दी इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मल लॉस एज वेल एज एबनॉर्मल लॉस. सो देखिए आपको ओवरऑल स्क्रैप दिया हुआ है कितना, 1500 यूनिट्स. डिग्री ऑफ कम्प्लीशन, मटेरियल 100%, लेबर 80%, ओवरहेड 60%. ये क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स जो ओवरऑल आपका जो स्क्रैप निकला है उसमें काम कितना कंप्लीट हो चुका था वो दिया हुआ है. लेबर में बोल रहे हैं 100% हो चुका था, लेबर में 80%, ओवरहेड में 60%. उसके बाद जो स्क्रैप निकला, दैट इज 1500 यूनिट्स का जो स्क्रैप निकल गया. इसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 1000 यूनिट्स. डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, मटेरियल 100%, लेबर 60%, ओवरहेड 50%. नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 10% ऑफ टोटल इनपुट. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट लिखा लिखी हुई है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्मल लॉस ऑफ टोटल इनपुट, यानी कि इस प्रोसेस में जितने भी टोटल जो इनपुट हुई है उसका 10% जो है वो नॉर्मल लॉस हुआ. तो देखिए टोटल इनपुट कितना हुआ, देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना था 1000, ये तो, ये भी तो इनपुट हुआ, क्योंकि इनपुट कहाँ से आया, प्रीवियस प्रोसेस से आया. ठीक है, तो इस प्रोसेस का इनपुट बन गया, दैट इज 1000 यूनिट्स, एंड 10,000 यूनिट्स जो वो इंट्रोड्यूस हुई है, तो टोटल इनपुट कितना हो गया 11,000. इसका 10% निकालने कितना आएगा आपका 1100, वो क्या आएगा आपका नॉर्मल लॉस. स्क्रैप वैल्यू गिवन है रुपीज 2 पर यूनिट. सो देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से देखिएगा. ये आपका फॉर्मेट है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप. स्टेप वन क्या होता है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट. ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे. देखिए 1000 यूनिट्स वो क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, कितनी यूनिट्स है वो 1000. इसके बाद 10,000 यूनिट्स में वो इंट्रोड्यूस हुई है, तो यहां लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, टोटल इनपुट कितना हो गया, दैट इज 11,000. अब आपको क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन था. इसके अलावा हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे. देखिए टोटल स्क्रैप कितना था, टोटल स्क्रैप इन यूनिट दैट इज 1500. अब इसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया, नॉर्मल लॉस कितना था 10% ऑफ टोटल इनपुट. इनपुट कितना था 11,000, उसका 10% कितना हुआ, दैट इज 11,100. एंड रेस्ट इज, रेस्ट क्या बचा आपका, एबनॉर्मल लॉस. दैट इज 400 यूनिट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस यानी कि जो एक्सपेक्टेड लॉस था वो कितना था 1100, लेकिन टोटल स्क्रैप निकला कितना 1500. तो एक्स्ट्रा जो 400 यूनिट जो खराब निकली वो क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर. अब
यहाँ पर देखिए टोटल लिखेंगे 11,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखिए अभी हमने जो निकाला, देखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, दैट इज 1,000 यूनिट्स। देखिए क्लोजिंग कितना गिवन है, 1,000 यूनिट्स गिवन आपको। सो क्लोजिंग है 1,000। एबनॉर्मल अभी हमने निकाला, दैट इज 400। नॉर्मल लॉस निकाला अभी हमने, दैट इज 1,100। एंड रेस्ट विल गो टू इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। यहाँ पर कंप्लीटेड भी लिख देना, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट कितनी यूनिट्स हुई है, दैट इज 7,500, ठीक है। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट दी हाउ मेनी यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग दी प्रोसेस। बस अब हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज लेंगे। ओपनिंग स्टॉक में क्या लेते हैं, रिमेनिंग। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक में डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना गिवन आपको, दैट इज 100%, 50%, 50%। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, मटेरियल में 0, लेबर में 50%, ओवरहेड में 60%। तो यहाँ पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन की, तो मैं यहाँ पर होगा नील, यहाँ पर होगा आपका 50% एंड यहाँ पर होगा आपका 60%। सो नील का नील हो जाएगा 50% ऑफ 1,000, दैट इज 500, 60% ऑफ 1,000, दैट इज 600। एंड रिड्यूस, ये तो कंप्लीट है तो इसको तो हमेशा के लिए ना आपको कंप्लीट में लेते हैं 100%। सो 100% 7,500, 100% 7,500, 100% 7,500। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस में क्या लेते हैं, अगर आपको याद हो तो दैट इज इग्नोर, कुछ भी गिवन हो हमें इग्नोर करना है। सो दैट मींस ऑलवेज नील, टोटल इग्नोर। एबनॉर्मल लॉस एज पर दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन आपको, देखिए आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन आपको स्क्रैप का, देखिए कितने गिवन है, 100%, 80%, 60%। तो हम ये लेके चलेंगे 100%, 80% एंड 60%। 100% ऑफ 400, 400, 80% ऑफ 400, 320, 60% ऑफ 400, 240। अब क्लोजिंग स्टॉक में कितना होता है, अगेन एज पर दी क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक का देखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना कितना गिवन आपको, 100%, 60%, 50%। सो 100%, 60% एंड 50%। 100% ऑफ 1,000, दैट इज 1,000, 60% ऑफ 1,000, दैट इज 600, 50% ऑफ 1,000, दैट इज 500। नाउ जस्ट मेक अ टोटल ऑफ दिस, 8,900, 8,920, 8,814, ठीक है। सो ये हमने बनाई, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज टू कैलकुलेट दी कॉस्ट पर यूनिट। पहले लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है, मटेरियल में देखिए कितना हुआ था, दैट इज 37,000, वेजेस में 17,840 एंड ओवरहेड्स में 8,840। सो सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस वैल्यू वुड बी 37,800, नॉट 37,000। जस्ट टू मेक अ स्मॉल करेक्शन हियर, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस 10,000 यूनिट्स एट रुपीज 37,800, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 37,800, लेबर में है 17,840 एंड ओवरहेड्स में आएगा 8,840, ठीक है। अब इसमें से देखिए आपको कुछ नॉर्मल जो स्क्रैप हुआ था उसको बेचा, सेल ऑफ स्क्रैप, तो वो किस फॉर्म में बेचा, मटेरियल फॉर्म में। तो उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दैट इज 2 पर यूनिट, ठीक है। कितनी यूनिट्स जो सोल्ड की है भाई, नॉर्मल लॉस कितना हुआ था,
1100 का, तो वही यूनिट्स तो बची होगी, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी, 1100 इंटू में 2, दैट इज 2200, उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, 35600, इसके तो सेम ही रहेगी एंड इसके भी सेम, बस हम लेस करेंगे कॉस्ट जो इक्विवेलेंट पर डिवाइड करेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने कितने आते, देखिए 8900, 8920, 8814, डिवाइड करके आपका क्या आएगा, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, विच कम्स टू 421। सो सेकेंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर आपको क्या चीज देखी आपने, नई चीज कैसे की आपने, दैट इज अगर स्क्रैप सेल किया है तो उसकी कॉस्ट जो है माइनस करनी है। नेक्स्ट वन इज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, पहले कह लेना आपको स्टेप बाय स्टेप, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है। क्या क्या है आपका, सॉरी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, तो देखिए क्या क्या खर्चा हुआ था, ऊपर टेबल देखेंगे यहाँ पर, ओपनिंग में डैश, मटेरियल में डैश, लेबर में 500, ओवरहेड में 600, सो नेल 500, 600, रेट पर यूनिट कितना देखिए 421, कॉस्ट कितने हैं कि नेल 1000 एंड 6000, 600 सॉरी, टोटल हो गया 1600, ठीक है। बस अब निकालेंगे कंप्लीटेड सेम फॉर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, कॉस्ट पर यूनिट देखिए 421 ही है, ठीक है। कंप्लीट यूनिट देखिए कितना कहता था, 7500 ईच, सो 7500, 7500, 7500, 7500, 15000 एंड 30000, टोटल हो गया आपका ये 52500, ठीक है। अब हम एबनॉर्मल लॉस का भी इफेक्ट लेंगे यहाँ पर, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। अब आप पूछोगे सर आपने नॉर्मल लॉस नहीं लिया, नॉर्मल लॉस की वैल्यू थी कितनी ऊपर, नेल तो लेने का फायदा ही नहीं है, और एबनॉर्मल लॉस की कितनी वैल्यू देखिए 400, 320, 240, 400, 320, 240, 421, 1600, 640, 240, टोटल वुड बी 2418, एंड देन लास्ट वन इज क्लोजिंग WIP, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 421, क्लोजिंग कितनी कितनी देखी वैल्यू कितनी थी, 1600 एंड 500, 1600 एंड 500, 4000, 1200, 500, विच कम्स टू 5700। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कैसे निकालेंगे देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी यूनिट्स निकाली थी हमने, 1000, उस पर खर्चा कितना हुआ टोटल, देखिए इनिशियली कितना खर्चा हुआ था, दैट इज 10000, ठीक है। एंड फिर इस बार कितना हुआ, पहले मैं देता हूँ 10000, एंड देन अब कितना हुआ, दैट इज 1600, देन इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड
कितनी यूनिट सी, दैट इज 7500। इस पे कितना खर्चा हुआ था, देखिए 52,500। टोटल हो गया आपका 64,100। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ आउटपुट, एंड द लास्ट वन इज टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो वही अपना जैसा करते थे, पहले का लिखेंगे ऑपरिंग डब्ल्यू आई पी, फिर लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स, उसके बाद तो खर्चा भी हुआ था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर हमारा अभी नॉर्मल लॉस भी हुआ, एबनॉर्मल लॉस भी आया, देन कुछ हमारा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी भी आएगा, एंड देन ट्रांसफर भी करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ओपनिंग में कितनी से देखिए 1000 इनपुट दिया, फिर 10,000 का टोटल ये हो गया 11,000। ठीक है, इसका देखिए खर्चा कितना था 10,000। ठीक है, इसका कितना था 37,800। वेजेस जब दो दो बार दिया मैंने मटेरियल हटा देने से, लेबर देखिए कितना था 17,840, एंड दैट वाज 8,840। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स थी आपकी 1100, एबनॉर्मल लॉस था आपका 400। इसको 2 रुपये के हिसाब से भेज देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2200। ठीक है, नॉर्मल लॉस की वैल्यू कहाँ से लोगे, वो जो आप ऊपर निकाले थे देखिए ये 2480, ये लिखोगे यहाँ पर आप 2480। ठीक है, फिर कितना यहाँ पर कहते हैं 1000, एंड रेस्ट ट्रांसफर करेंगे दैट इज 7500 टू द नेक्स्ट प्रोसेस। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, दैट इज 5700। सो वो यहाँ पर आ जाएगा, आप बस बैलेंस कर देंगे, अब ये टोटल आ गया 7,4480, 7,4480, 11,000, एंड बैलेंस फिगर आपकी आ गई 64,700। दैट्स इट। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने जो आपका मेनली जो मुझे कराना था टॉपिक, कि जब नॉर्मल और एबनॉर्मल का इफेक्ट आए तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा, वैसे तो दैट इज इनफ फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज मेनली जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है दैट इज़ दी वेरी सिमिलर टू टाइप दिस क्वेश्चन। मीन्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 कहता था, तीन क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके लिए इनफ है। बट मैं फिर भी आपको थोड़ा एक एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ टू क्वेश्चन नंबर 10। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते, बट जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस बी। क्या गिवन आपको, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 200 यूनिट्स एट ₹3,000, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए 800 यूनिट्स 7,650, मटेरियल एडेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹2,720, लेबर हुआ 2,604, ओवरहेड्स 1,276। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, देखिए ओपनिंग स्टॉक की आपको यूनिट गिवन है एंड अमाउंट भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है कि कुछ यूनिट जो है वो ट्रांसफर हुई है प्रोसेस ए से, कितनी यूनिट 800, जिसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं दैट इज 7,650। देखिए यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ ओपनिंग वर्किंग, यानी कि ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, लेकिन 800 यूनिट ये कंप्लीटेड है कि वर्किंग प्रोग्रेस कुछ बताया नहीं है।
फिर लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ मटेरियल ऐड भी करा जिसकी वैल्यू बताया 2720। ठीक है, अब नीचे गिवन है कि देखिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग का, क्लोजिंग का और फिर स्क्रैप का, एंड देन नॉर्मल लॉस गिवन है आपको यहाँ पर 8% ऑफ ग्रोस आउटपुट। अच्छा यहाँ पर क्या गिवन है, ग्रोस आउटपुट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, 10% ऑफ ग्रोस इनपुट, बट यहाँ पर क्या है 10% ऑफ ग्रोस आउटपुट। दैट मीन्स जितनी यूनिट्स हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आउटपुट निकल रहा है बेसिकली, उस यूनिट का हम 10% निकालेंगे, दैट विल बी द नॉर्मल लॉस। स्क्रैप दिखा रहा है 5 पर यूनिट। ठीक है, सो देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो देखिए पहले गिवन आपको, पहले देखते हैं कितनी यूनिट्स हमारी जो है इनपुट कितना कितना हुआ है। तो देखिए 200 यूनिट्स जो क्या है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर उसके बाद 800 यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो टोटल कितनी यूनिट्स होगी, दैट इज 1000। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आएगा 200, अब कुछ क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस भी है। क्लोजिंग देखिए कितना गिवन है आपको, क्लोजिंग गिवन आपको 300 यूनिट्स, टोटल आएगा आपका 1000। ठीक है, सो देखिए इसको कैसे करना है आपको, इसका हम छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए हमारा जो नॉर्मल लॉस है, हमें बेसिकली देखो यहाँ पर हमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस पता ही नहीं है। देखो ना तो हमें नॉर्मल लॉस पता है, एंड ना ही हमें एबनॉर्मल लॉस पता है, बट हमें नॉर्मल लॉस की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या गिवन है, दैट इज 10% ऑफ ग्रोस आउटपुट। तो हमें ग्रोस आउटपुट भी तो पता होना चाहिए कितना है। ग्रोस आउटपुट कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जितना भी हुआ प्लस जितना इंट्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए ओपनिंग कितना था 200, लेके कितना आए 800, क्लोजिंग कितना हुआ 300, तो देखिए टोटल ग्रोस आउटपुट कितना हुआ, दैट इज 700 यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल लॉस, क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 70 यूनिट्स। कैसे, 10% ऑफ 700। ठीक है, एंड टोटल हमें दिए हुए यूनिट्स करीब कितनी है, दैट इज 100। सो टोटल स्क्रैप माइनस नॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट टू एबनॉर्मल लॉस 100 माइनस 70, दैट इज 30 यूनिट्स। तो बस अब यूनिट्स यहाँ लिख देंगे हम, नॉर्मल लॉस हुआ कितना 70 यूनिट्स, ये हुआ 30 यूनिट्स, तो कितना हो गया 100, 400, 600, दैट इज ये हो गया 400, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। ठीक है, बस अब हम लेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन, बट फिर भी मैं ऐसा मना था यहाँ पर क्वेश्चन में एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन दी हुई है, क्या दी हुई है कि एक बार आप लैंग्वेज फिर से पढ़िए, जैसे लिखा हुआ है ओपनिंग तो दिया हुआ 200, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूनिट ट्रांसफर की है प्रोसेस ए से कितनी की 800, उसकी वैल्यू तो गिवन है 7600, बट उसका हमें ये गिवन नहीं है कि ये कितना वर्किंग प्रोग्रेस है, कितना कंप्लीट, कुछ गिवन नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर एक तरह से दो टाइप के मटेरियल जो है वो हुए हैं। देखिए एक तो मटेरियल एडेड हुआ है कितना पता नहीं, बट ट्रांसफर हुआ प्रोसेस ए से कितना 800, कितना कंप्लीट ये भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मटेरियल वन एंड मटेरियल टू। सो मटेरियल वन के लिए आप एज्यूम करो यहाँ पर कि वो पूरा का पूरा कंप्लीटेड है, बिकॉज देखिए क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है। आप देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको ओपनिंग का गिवन है, क्लोजिंग का गिवन है, स्क्रैप का गिवन है, लेकिन कितनी जो हम ट्रांसफर की है प्रोसेस ए से आई है उसका कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है,
तो नहीं गिवन है तो क्या लेंगे हम, ऑलवेज टेक 100%, दैट मीन्स वो कंप्लीटेड है। बिकॉज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑपरिंग वर्किंग प्रोग्रेस 2 यूनिट्स है, यानी कि जो प्रीवियस प्रोसेस है जो आया ठीक है उसके 2 यूनिट्स हैं, उसमें लिखा हुआ वर्किंग प्रोग्रेस। लेकिन आगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कुछ और यूनिट्स है वो प्रोसेस ए से ट्रांसफर हुई है ठीक है, और उसका हमें ये नहीं पता डिग्री कंप्लीशन कितना हुआ पता ही नहीं है, और ये भी लिखा कि वर्किंग प्रोग्रेस है नहीं है, तो क्या मांगे चलेंगे हम, ये पूरा पूरा कंप्लीटेड है ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस में क्या लिखे हैं हम, क्या लेते हैं 100%, तो यहाँ पर लेकिन रिमेनिंग लेंगे, सॉरी रिमेनिंग, और फिर देखिए यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखिए ओपनिंग का कितना गिवन है 80%, 60%, 50%, तो कैसे लेंगे रिमेनिंग 20, 40 एंड 50, 20, 40 एंड 50। देखिए मटेरियल का तो आपको हमेशा 100% लेना है ठीक है, तो बस उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 20% ऑफ 200 दैट इज 40, 40% ऑफ 200 दैट इज 80, 50% ऑफ 200 दैट वुड बी 100, एंड इसका तो हमें 100% लेना हमेशा, 100% दैट इज 400, 100% दैट इज 400, 100% 400, 100% 400, एब्राहम लॉस ऑलवेज इग्नोर, सॉरी नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस ऑलवेज इग्नोर, एबनॉर्मल लॉस एज पर द क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन आपको, स्क्रैप है गिवन आपको, गिवन आप कितना गिवन आपको 170 एंड 60, 170 एंड 60, तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम 170, सॉरी ये भी 100 होगा ना, यस मटेरियल तो हमेशा आपका 100 ही है, तो मटेरियल 2 का इस बार आपको 100 गिवन है, फिर 70% है एंड देन 60% है ठीक है। तो 100% ऑफ 30, 30, 30, 21, 18, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस का देखिए क्या गिवन आपको 70%, 50%, 40%, तो हम यही वैल्यू लेके चलेंगे, ये तो है 100%, 70%, 50%, 40%, 300, 210, 100 and 120, बस सबको टोटल कर देंगे अब हम, दैट वुड बी 730, 618, 651, 638। बस नेक्स्ट स्टेप आपका कॉस्ट पर यूनिट, पहले लिखेंगे हम कॉस्ट इनकर्ड, इसमें से लेस करेंगे पहले स्क्रैप, देखिए स्क्रैप के लिए अभी हमने निकाला कितनी यूनिट्स हमने स्क्रैप है हमारी, नॉर्मल लॉस कितना है हमारा 70 यूनिट्स, उसको 500 रुपये के हिसाब से बेच दिया था ठीक है। तो इनकर्ड कितना हुआ, टोटल खर्चा के देखिए कितना इनकर्ड हुआ था, दैट इज 7650, देखिए यहाँ पर आएगा 7650, फिर है 2720, फिर है 2604 एंड देन 1276। अब इसमें से पहले हम 350 यहाँ से लेस कर देते हैं, बस अब आपके लिखे यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, सेवन थर्टी, 620, 651, 638। कॉस्ट पर यूनिट 10, 4, 4, 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट वन इज ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस,
मटेरियल वन, मटेरियल टू, लेबर, ओवरहेड्स। सो मटेरियल वन में देखिए, अच्छा उसमें तो डैश था, नील 40, 80, 100, नील 40, 80, 100, 10, 4, 4, 2, 160, सॉरी इधर नील आएगा, सॉरी नील 160, 320, 200, टोटल आपका आ जाएगा ये, दैट इज 680। अब लिखेंगे हम कंप्लीटेड मटेरियल वन, मटेरियल टू, लेबर, ओवरहेड्स। कंप्लीटेड में देखिए कितना था, 400 इन ईच केस, 400, 400, 400, 400, 10, 4, 4, 2, 4,000, 1,600, 1,600, 800, टोटल आपका आ जाएगा दैट इज 8,000। अब लेंगे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल वन, मटेरियल टू, लेबर, ओवरहेड्स, 10, 4, 4, 2। एबनॉर्मल लॉस कितना था, 30, 30, 30, 21, 18, 30, 30, 21, 18, 300, 120, 84, 36, टोटल भी 540। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल वन, मटेरियल टू, लेबर, ओवरहेड्स, 10, 4, 4, 2। क्लोजिंग थी कितना था आपका, 300, 210, 100, 120, 200, 210 है सॉरी, 150 था ना, 150, and then 120, 3,000, 840, 600, 240, so that would be 4,480. Now next one is, that is calculation of cost of output. Opening work in progress, कितना खर्चा हुआ, 3,000 हो चुका था, एंड अब कितना हो गया, 680, सो 3,680। देन इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, दैट इज कितना हो गया खर्चा, 8,000, टोटल लगा पाइए 11,618। बस प्रोसेस अकाउंट लेंगे हम, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 200 यूनिट्स से अभी 3,000 पे, देन अच्छा फिर हमारे ट्रांसफर क्या था, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए से आया था, 800 यूनिट्स आ गया अपनी,
7650 के अकॉर्डिंग। देन कुछ मटेरियल भी लगा था, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल लगा 2720, 2604 एंड ओवरहेड्स लगा था 1276। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या प्रोसेस सी लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हम प्रोसेस बी बना रहे हैं, प्रोसेस बी अकाउंट। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना गिवन था आपको 300, एबनॉर्मल गिवन लगा था 70 30, सो दैट वुड बी 600। 500 रुपये के हिसाब से बेचा था उसको 350। एबनॉर्मल लॉस कितना था आपका 540। क्लोजिंग कितना है आपका दैट इज 400 680, ठीक है। सो बैलेंस आपका यहाँ चला जाएगा, तो देखिए इसका तो टोटल हो गया 1000, ये भी 1000 हो गया, इसका टोटल आपका आएगा 7250। टोटल आपका 11,618। सो दिस विल बी फाइनल आंसर। सो क्लास दिस वाज द ट्रिकी वन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। यू आर रिक्वायर्ड टू पे प्रोसेस टू अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन 90 यूनिट्स एट ₹900। क्लोजिंग स्टॉक गिवन आपका वर्किंग प्रोग्रेस, मटेरियल एडिड ड्यूरिंग 425, लेबर सेम क्वेश्चन है क्लास में। नॉर्मल लॉस मिला 5% ऑफ ग्रोस आउटपुट, सो इट मोर लेस वही क्वेश्चन क्लास में। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। ओके सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड अनदर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग।